राइट, अब इसके बाद वन मोर थ्रोबैक कमिंग योर वे, एक और बहुत प्यारी रेसिपी जिसके लिए मुझे बहुत 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 मैसेजेस आए, एवरीबडी रियली लव्ड इट एंड सब चाहते हैं कि ये फेस्टिवल के सीजन में उसे बनाएं और अपने फ्रेंड्स अपनी फैमिली को खिलाएं। तो चलिए, वन मोर एक्साइटिंग रेसिपी कमिंग योर वे फ्रॉम माई अर्लियर सीजन, इट्स द पेयर जेली पेठा। शुरू करते हैं। हम सबसे पहले लेंगे दो पेयर्स, हेल्दी होते हैं, फाइबरस होते हैं, इसमें ढेर सारा विटामिन सी होता है, पोटेशियम होता है, तो ये बहुत ही हेल्दी होता है। तो मैं इन्हें यूज करूंगी इस रेसिपी में। ये साइड्स काट देंगे और फिर इन्हें छिलके के साथ ही हम ग्रेट करेंगे। ये ग्रेट हो गए हमारे लवली पेस्ट। अब हम इसमें डालेंगे कोकोनट वाटर। अब हम लेंगे थोड़ा जेलेटिन, हमें जेली बनाना है इसलिए इसमें मैं थोड़ा पानी डाल के इसे फटाफट माइक्रोवेव करूंगी ताकि ये जेलेटिन जो है वो मेल्ट हो जाए। ऑलराइट, देखिए ये जेलेटिन मेल्ट हो गया है। अब इसे हम डाल देंगे हमारे कोकोनट वाटर और पेयर के मिक्सचर में। अब इसे अच्छे से एक बार फिर से स्टर कर लेंगे हम। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा पाउडर्ड शुगर। अब हम लेंगे एक एल्युमिनियम ट्रे और इसमें डाल के सेटिंग करने के लिए रख देंगे। तो ये बस हमारे पेयर जेली की जो प्रेपरेशन है वो हो गई है। इसे अच्छे से स्प्रेड कर दीजिए आप। अब इसे हम फ्रिज में रख देंगे करीब 15 से 20 मिनटों के लिए। अब जो पीठे बनते हैं ना, उसकी जो कवरिंग होती है वो बनती है मैदे के साथ। बेसिकली दे आर लाइक आवर क्रेप्स। मैंने तो पहले भी क्रेप्स बनाए हैं, आज हम क्रेप्स को बनाएंगे थोड़ा डिफरेंटली एंड थोड़ा कलर के साथ। चलिए, हम ये कलर लाएंगे फ्रेश बीटरूट के साथ, जो हेल्दी भी है एंड इट प्रोवाइड्स दैट ब्यूटीफुल कलर दैट वी वांट। तो चलिए, पहले हम लेंगे थोड़ा मैदा, बेकिंग पाउडर, थोड़ा घी, शुद्ध घी इसमें पड़ेगा। इसमें जैसे कि मैंने कहा था जो हम कलर डाल रहे हैं विद दिस फ्रेश बीटरूट जूस, द बीटरूट एक्सट्रैक्ट, एंड इसे अच्छी तरह से एक बार मिला लेते हैं। ओके, और अब फाइनली इसमें हम डालेंगे दूध। सो इसे हम इस तरह से डाल देते हैं एंड अब एक विस्क की मदद से इस पूरे बैटर को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और इस बैटर का हम बेसिकली क्रेप्स बनाएंगे जो पीठे की कवरिंग होती है। चलिए, नाउ इट्स परफेक्ट। अब चलिए इन क्रेप्स को हम बना लेंगे। हम लेंगे एक पैन, अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा तेल। अब एक लेडल की मदद से हम क्रेप्स बनाना शुरू करेंगे। इस तरह स्प्रेड कर देंगे। हम फ्लिप कर देंगे। उतनी ही देर में जो जेली हमने सेट करने के लिए रखी थी वो भी तैयार हो जाएगी। चलिए, इसे निकाल देते हैं और इसी तरह हम और भी क्रेप्स तैयार कर लेते हैं। चलिए, अब ये तैयार हो गए हमारे पीछे। अब देख के आते हैं कि जेली तैयार हुई कि नहीं। पेयर जेली सेट हो गई है एंड अब एक नाइफ की हेल्प से आप इस जेली के साइड्स को डिटैच कर दीजिए ताकि उसे हम आसानी से निकाल सकें बाहर। ये देखिए, ये जेली हमारी तैयार हो गई है, इस साइड से निकल गई है। सो हम इसे काट के इसका एक साइड निकाल लेते हैं फिलहाल। अब इनके हम इस तरह से स्ट्रिप्स काट लेंगे। अब इसके अंदर हम रखेंगे एक स्लाइस ऑफ जेली, ये दोनों तरफ से इस तरह से फोल्ड करेंगे, देन वी आर गोइंग टू रोल इट अप लाइक स्मॉल लिटिल पॉकेट्स। इसी तरह आप बाकी के भी पीठों को तैयार कर लीजिए। बीच में ये इस तरह से रखिए, फोल्ड वन, फोल्ड टू। अब इस लास्ट वाले को भी हम इस तरह से फोल्ड कर देते हैं और ये तैयार हो गए। अब हम लेंगे एक प्लेट, उनमें स्टैक अप कर देंगे इन पीठों को एंड देन जस्ट फॉर आवर लिटिल वंडर्स हम उनके लिए कुछ जेली के पीसेस अलग से काट के बीच में स्टैक कर दी। एंड हियर यू गो, हमारे यमी पेयर जेली पीठे तैयार हैं। देखा किस तरह से हमने ट्रेडिशनल रेसिपी को एक मॉडर्न ट्विस्ट दिया और बना दिया उसे परफेक्ट फॉर आवर मॉडर्न डे फेस्टिविटीज। चलिए देख लीजिए इस रेसिपी का एक क्विक रिकैप। बैटर को ग्रेट करें एक मिक्सिंग बोल में। इंग्रेडिएंट्स और जेलेटिन मिक्सचर को अच्छे से मिलाएं। इस मिक्सचर को एल्यूमिनियम ट्रे में रखें और रेफ्रिजरेट करें। एक और मिक्सिंग बोल में इंग्रेडिएंट्स को विस्क करें। क्रस्ट बनाने के लिए पैन को हीट करें और बने हुए मिक्सचर को डालें। रेफ्रिजरेटर से जेली को लाएं, केस से अलग करें, काटें, क्रस्ट पे प्लेस करें और फोल्ड करके सर्व करें। आपका पेयर जेली पीठे है तैयार। यस यस आई नो, फेस्टिवल के टाइम थोड़े स्किन में प्रॉब्लम हो जाती है बिकॉज यू नो यू ईट सो मच ऑयली फूड, इतना मीठा खाते हैं तो ब्रेकआउट्स होने लगते हैं। तो सबसे पहले जो ब्यूटी टिप मैं आपको दूंगी कि भाई थोड़ा कम खाइए मीठा, थोड़ा फ्राइड कम कीजिए, है ना। ये ज़रूरी तो है नहीं कि भाई फेस्टिवल है तो टूट पड़ो, सब कुछ करो पर थोड़ा बैलेंस में, थोड़ा लिमिट में। लेकिन अगर कंट्रोल नहीं होता तो एक अच्छी ब्यूटी टिप है मेरे पास जिसे आप अप्लाई कर सकते हैं ऑन द मॉर्निंग और द डे बिफोर यू गो आउट टू अ पार्टी। इट्स वेरी सिंपल। लीजिए थोड़ा सा मैश्ड बनाना, सम राइप पपाया एंड सम ग्रेटेड एप्पल, उन्हें अच्छे से पल्प कर लीजिए, फिर उसमें नींबू का जूस मिलाइए और एक पेस्ट बना लीजिए। अप्लाई इट ऑन योर फेस, आधे घंटे छोड़ दीजिए और फिर ठंडे ठंडे पानी से धो डालिए। इससे आपके फेस पे एक लवली ग्लो तो आएगा ही, साथ ही अगर यू नो द स्किन इज फीलिंग डल एंड थोड़े ब्लेमिशेस आ गए हैं, इट हेल्प्स टू क्लियर दैट आल्सो। सो चलिए एंजॉय दिस ब्यूटी टिप व्हाइल यू एंजॉय योर फेस्टिविटीज। ओके, तो इसके साथ ही खत्म हुआ हमारा आज का फेस्टिवल एपिसोड। आई होप आपको पसंद आया। प्लीज मुझे लिख के बताइए, राइट टू मी ऑन mamikamagic@foodfood.com। I'm also on Twitter and Facebook and I love all the messages from you. I love to see कि हर दिन मेरे followers बढ़ रहे हैं. Please keep connecting with me and I will connect right back with you. So until we meet again, this is Amrita Raichand saying a nice festivity wala goodbye.